गाइस, फिर से मैं लेट हूँ, क्या करे। कुछ काम ऐसे है कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे। मैं सॉरी हूँ, बहुत ज्यादा सॉरी हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से कंटिन्यू करने के। तो जो मैं क्लासेस अभी स्टार्ट किया था इस साल का, 2022 का जो क्लासेस मैं स्टार्ट किया था, मैं दिखाया कि आईब्रो का जो जो शेप है वो दिखाया, और कैसे धागा को लेना है, चलाना है, ये सब मैं दिखाया। और मैं प्रैक्टिकल नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है। तो चलिए, मैं फिर आज एक बार रिमाइंड देती हूँ जो जो मैं क्लासेस किया, रिकॉल करती हूँ फिर से एक बार। मैंने पहले बोला था कि आईब्रो करने के टाइम थोड़ा रुकिए। मैं हूँ अंजलि और ये चैनल है अंजलि स्टार्च। जो नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे नए वीडियो पाने के लिए, और मेरे साथ जुड़ा रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, मैं जो कह रही थी कि रिकॉल मैं फिर से कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रो के लेके, आईब्रो जो मैं बताया कि कैसे कैसे करना है, कैसे धागा को लेना है, चलाना है, ये मैं पहले दिखाया था। तो फिर मैं एक बार आज दिखाऊंगी और बोलूंगी क्या क्या है। आईब्रो का शेप 6 से 7 होता है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का मतलब कुछ लड़की का आईब्रोज का शेप सेम ही होता है, वो सॉफ्ट जो आर्च होता है ना वही होता है, और वो ही आपको ब्राइडल में बहुत अच्छा आता है। जब आप ब्राइडल करेंगे ना, ब्राइडल मेकअप के साथ भी वो आईब्रो शेप, मतलब सॉफ्ट आर्च वाला जो शेप, वो ही बहुत अच्छा आता है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको आपको अच्छी तरह से सीखना है, कैसे कैसे करना है, कैसे बिठाना है आईब्रो धागा को, कैसे चलाना है, ये आपको सीखना है। तो फिर आप लोगों को आ जाएगा, इजी है, उतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना, घर में धागा चलाना प्रैक्टिस करो ना, आप लोगों को आ जाएगा। चलिए, मैं फिर दिखाती हूँ आज के कैसे धागा को चलाना है, लेना है, जो बिगिनर है उन लोगों के लिए अच्छा काम आएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ ऐसे धागा को लेना है। पहले देखिए, ये धागा आपको लोकल मार्केट में मिलेगा, इसका जो नंबर है ये है 40 नंबर का धागा है, ये आईब्रो थ्रेडिंग का धागा है। अलग से आपको दुकान में जाके बोलना है कि आईब्रो बनाने का धागा चाहिए, तो ये 40 नंबर का धागा आप लोगों को दे देंगे वो लोग। गाइस, चलिए मैं दिखाती हूँ कि आईब्रो को धागा जो है वो कैसे लेना है, कैसे चलाना है, ये आपको दिखाती हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो धागा है इसको आप बाएं हाथ में ले लीजिए, मतलब अब लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, और इसका जो एंड पार्ट है ना वो आप मुंह में रखो इस तरह, देखिए, और ये बाहर की तरफ उंगली को लाके ऐसे करके 5 से 7 बार आपको घुमाना है। घुमाने के बाद एक लॉक बनाना है, और लॉक बनाने के बाद देखिए लॉक इस तरह आएगा, और आपको जो बाल, यहां से जो बाल निकालना है वो ही बाल को आपको इस जो लॉक हुआ है उसमें फंसाना है, ये जो लॉक है ना उसमें फंसाना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और मुंह में जो धागा है, ये 3 धागा एक साथ खींचना है आपको, देखिए इस तरह। इस तरह आपको खींचना है, 3 धागा एक साथ खींचना है, तभी जाके वो जो बालों में आप फंसा है ना वो उठ जाता है तभी जाके। तो मैंने यहाँ पे बोल देती हूँ, जब आप आईब्रो बनाएंगे तब क्लाइंट पे जब आप आईब्रो बनाएंगे ना, तब आपको
मतलब आप खड़ी कहाँ होंगे, तो वो मैं बताऊंगी आज कि आपको कहाँ खड़ी रह के ये काम करना है। देखिए, पहले मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और आप मेरे ऊपर आईब्रो बनाएंगे, तो क्या करना है आपको, पहले पहले जो टेलकॉम पाउडर है वो आपको वो कॉटन से लेके आपको आईब्रो पे देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप चाहे लेफ्ट का आईब्रो बन फास्ट आप लेफ्ट का बना सकते हो, राइट का बना सकते हो, ये आपका चॉइस है। बट मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा ही राइट का जो आईब्रो है वो आप पहले बनाएं, उसके बाद लेफ्ट का बनाएं। लेफ्ट हमेशा गलत होता है, मतलब कि जो बिगिनर है, जो लोग वो अक्सर ये भूल करते हैं, आईब्रो लेफ्ट का जो आईब्रो है वो खराब हो जाता है, अच्छा नहीं आता है, इसीलिए राइट को खराब हो जाता है। अब एक काम कीजिए, आपको ये ध्यान में रखना है, आपको पहले एक को ठीक करना है और वो ठीक दूसरे को करना है, मतलब आप राइट साइड जाओ, राइट साइड का जो आईब्रो है वो देख के आपको लेफ्ट का जो आईब्रोस है वो बनाओ, तभी जाके दो ठीक हो जाएगा। ये गलती सबको होता है, सबको, मेरा स्टूडेंट को भी ये गलती होता है, वो कहते हैं कि मैम बाएं तरफ का जो आईब्रोस है वो अच्छा नहीं हो रहा है, यही गलती है। तो मैं मेरा स्टूडेंट को यही बताती हूँ कि देखिए आपको लेफ्ट साइड का जो आईब्रो है वो पहले बनाना है। तो चलिए आप क्या करेंगे कि राइट साइड का जो आईब्रो है वो आपको पहले बनाना है, और उसलिए आपको क्या करना है, फ्रंट में खड़ी होके बनाना है। आप फ्रंट में खड़ी हो और जो क्लाइंट है उसको बोलो उसका जो राइट हैंड वो नीचे पकड़े और जो लेफ्ट हैंड वो ऊपर पकड़े, देखिए इस तरह लेके, और ऊपर का जो खींचने का एक आसान तरीका है जिससे आपको आईब्रो अच्छा बनेगा, ये एक प्रोसेस है, मैं बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो है मिडिल पोर्शन जो है ना, अब देखिए मिडिल आईब्रो का जो मिडिल पोर्शन है, आप क्लाइंट को बोलो कि आपका जो मिडिल पोर्शन है देखिए यहाँ पे इसको खींचना है, मिडिल पोर्शन के कभी कभी होता है कि यहाँ पे लोग खींचते हैं, बट ना नहीं नहीं वो गलत है, उसको उससे आपको आईब्रो अच्छा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो मिडिल है देखिए, मिडिल को खींचा और देखिए एक शेप आ गया है, आप देख सकते हो कितना सुंदर एक शेप आया है, और नीचे मिडिल पर पोर्शन पे आपको इस तरह लेना है, ठीक है, खींचना है, दोनों एक साथ खींचना है। कभी कभी देखती हूँ मैं ऐसे पकड़ते हैं आईब्रो, तो वो क्लाइंट को आप बोलिएगा कि मिडिल पोर्शन को आप खींचो, तभी जाके आपको अच्छा शेप आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आईब्रो बनाने के टाइम। कभी कभी ये होता है, हो जाता है, जो बिगिनर है ना उसको वो प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक से पकड़ना नहीं आता, जिसको यही प्रॉब्लम होता है। सो गाइस, वो तो हो गया राइट साइड, अभी आपको लेफ्ट साइड करना है। राइट साइड पे जो शेप आपको मतलब आप दी, जो शेप आपने बनाया वही शेप आपको लेफ्ट साइड में ही करना है। कैसे करना है, आपको पहले दिखना है कि ऐसे धागा को लेना है और दिखना है कि ऐसे ऐसे बिठाना है, कहाँ से शुरू होगा। दो, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग एक काम कीजिए, और भी इजी कर देती हूँ मैं, चलिए अब आईब्रो कहाँ से शुरू करेंगे, ये जो हमारे नाक का जो ब्रिज है ना, आप ये नाक का जो ब्रिज है आप यहाँ से शुरू कीजिए, ये ब्रिज का जो शुरू का जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपको शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, तभी जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों एक एक साथ होगा, एक ही होगा,
आप यहाँ से यहाँ ऐसे बिठा के भी कर सकते हो, नहीं तो आपको अंदाज में करना है, मतलब आंखों देखे करना है। और इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको ये जो लेफ्ट साइड है ना, वो जो जब आप बनाएंगे ना, आपको क्या करना है, पीछे खड़ी होके करना है। राइट साइड का जो आईब्रो आप बनाने के टाइम, आपको राइट साइड का जो आईब्रो बनाने के टाइम आप फोन में खड़ी होके बनाना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड का जो आईब्रो बनाने के टाइम आपको लेफ्ट साइड के पीछे, लेफ्ट साइड का जो आईब्रो है उसका पीछे आपको खड़े होके बनाना है। तभी जाके आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड उसको आप नीचे रखना है और राइट हैंड को ऊपर रखना है। देखिए इस तरह आपको खींचना है। ये देखिए बीच में मैं जैसे कर रही हूँ और ऐसे करके आपको खींचना है, जोर से खींच के आपको करना है। सो इसमें ना आईब्रो बहुत अच्छा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे यह जो जो स्टूडेंट सीखा है ना, वो लोग बहुत अच्छी तरह से आईब्रो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। सो गाइस आप लोग ऐसे कीजिए, अच्छी तरह से काम कीजिए और ध्यान से काम कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए मुझे, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जो भी प्रॉब्लम हो आईब्रो को लेके, सब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ रहने के लिए, मुझसे मेरा जो चैनल है अंजलि स्टार्स उसको सब्सक्राइब करने के लिए, सबको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, लव यू, थैंक यू।